आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज पलवल के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले के शुभारंभ पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। 2 लाख परिवार हैं, अभी 60,000 परिवार आते हैं, लगभग 20,000 परिवारों के गोल्डन कार्ड बने हैं जो 5 लाख तक का इलाज फ्री में ले सकते हैं, यानी कि 1 लाख से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं अब तक, जो 5 लाख तक का इलाज साल में फ्री में कराए, कभी किसी ने सोचा था? सिविल सर्जन ने बताया कि मेले में उपस्थित लोगों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने लोगों को आयुर्वेद को अपनाने का आह्वान किया। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि इस प्रकार के स्वास्थ्य मेले का आयोजन होने से लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। भी लोग जो आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी हैं उन्हें कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के सभी स्पेशलिस्ट इसके अंदर उपलब्ध हैं। होलिस्टिक तौर पर ये मेला लगाया जा रहा है और लोगों के अंदर इसको देखकर एक जोश देखने को ही बनता है। उद्देश्य है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और स्टेप पे सेवाएं दे पाएं, इसलिए कैंप अप्रोच पे स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। और पलवल में जो हेल्थ मेला लगा हुआ है उसमें आकर के मैंने अपना आयुष्मान कार्ड बनाया है जिससे मुझे सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके और ये मेला गांव में लगना चाहिए जिससे कि लोग इसका लाभ उठा सकें।